आम चुनाव में भाजपा को हराने के लिए विपक्षी एकता का हिस्सा बनेंगे पवार, जल्द नीतीश से करेंगे मुलाकात। संयुक्त किसान मोर्चा पहलवानों के समर्थन में करेगी 11 से 18 मई तक देश भर में प्रदर्शन। यूट्यूबर मनीष कश्यप को SC की फटकार, NSA पर राहत और जमानत के लिए जाइए हाईकोर्ट। केरला के मल्लपुरम नाव हादसे में 22 की जान गई, बचाए गए लोगों को देखने पहुंचे CM रीजन, खोज अभियान जारी। उत्तर प्रदेश में निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थन में उतरे भाजपा सांसद, वरुण गांधी निकाय चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। डायन प्रथा को जड़ से उखाड़ने में जुड़ी झारखंड सरकार की गरिमा, प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं तारीफ। दिल्ली में अजय माकन का बड़ा आरोप, केजरीवाल के बंगले के लिए 45 करोड़ नहीं 171 करोड़ किए गए थे खर्च। बजरंग पुनिया के धरने के बीच कर्नाटक चुनाव को लेकर लगाई स्टोरी, हंगामा होने पर किया डिलीट। चंडीगढ़ में खुला देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। सऊदी अरब में फ्रांस प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिले भारत अमेरिका के NSA, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। द केरल स्टोरी के समर्थन में उतरी शबाना आजमी, विरोधी को दिया एक्ट्रेस ने मुंह तोड़ जवाब। शेयर बाजार में शुरुआती कारोबारी में तेजी, सेंसेक्स 390 अंक तक चढ़ा, निफ्टी 18,000 के ऊपर। वित्त मंत्री आज करेंगी आर्थिक समीक्षा बैठक, बारिश से AC व फ्रीज की बिक्री 15% घटी। कर्नाटक चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, राहुल गांधी ने की बस में सवारी, प्रियंका गांधी ने विजयनगर में किया रोड शो। गुजरात के वापी में BJP नेता की गोली मारकर हत्या, मंदिर के बाहर कार में बैठे उपाध्यक्ष पर फायरिंग, 3 गोलियां लगने से मौके पर मौत। मानहानि मामले में आज तेजस्वी के खिलाफ सुनवाई, गुजरातियों को ठग कहने के मामले में दर्ज हुई है बिहार के डिप्टी CM के खिलाफ याचिका। आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार सरकार को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते से मांगा था जवाब, रिहाई का रिकॉर्ड देने के लिए कहा। सऊदी अरब में अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार से मिले अजीत डोभाल, मिडिल ईस्ट में चीन के असर को कम करने शुरू होगा प्रोजेक्ट, सऊदी UAE भी शामिल। कनाडा के अल्बर्टा में जंगलों में लगी आग, अब तक 30,000 लोगों ने घर छोड़ा, 31 जगहों पर स्थिति कंट्रोल से बाहर। पाकिस्तान फौज से बेहतर हथियार आतंकियों के पास, 16 दिन में 21 सैनिक मारे गए, अब अमेरिकी वेपन्स में हमला कर रहा तालिबान। उज्जैन महाकाल मंदिर में दर्शन के नाम पर लूट, 3 दर्शनार्थियों से लिए 750 के बदले 1500 रुपए, पकड़े गए बदमाश से पूछताछ जारी। बेमौसम बारिश के चलते सड़क पर गिरा पेड़, जगदलपुर और बीजापुर नेशनल हाईवे पर लगा लंबा जाम, आवागमन बंद होने से यात्री हो रहे परेशान। छत्तीसगढ़ में कल जारी होंगे CBSE 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे, 38 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार होगा खत्म। मध्य प्रदेश के श्योपुर में महाराणा प्रताप के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी, क्षत्रिय समाज के लोगों ने निकाली रैली, SP कलेक्टर से की कार्यवाही की मांग। नारायणपुर में प्याज की बोरियों के नीचे छुपाकर अवैध शराब का परिवहन, BJP ने कहा ED ही नहीं CBI को भी लेना चाहिए एक्शन। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के 975 पदों पर होगी भर्ती, 26, 27 और 29 मई को होंगे लिखित परीक्षा, तिथि हुई घोषित। मंदसौर में आयोजित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा में आ रही 2 बसें दुर्घटनाग्रस्त, महिलाओं को लगी गंभीर चोट। छत्तीसगढ़ में ED की कार्यवाही लगातार जारी, होटल और शराब कारोबारी पप्पू ढिल्लन को ED ने किया गिरफ्तार, कोर्ट में किया पेश। बालोद जिले में बड़ा हादसा, शादी से लौट रही बस हादसे का शिकार, 15 लोग हुए घायल, एक की हालत गंभीर। राजधानी भोपाल में कोयला सोत रोड पर दिखा टाइगर, लोगों में बना दहशत का माहौल, आसपास के क्षेत्र में जारी किया गया अलर्ट। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में मिले केवल 5 नए कोरोना मरीज, अब 52 में से केवल 9 जिलों में ही बचे हैं सक्रिय मरीज। जबलपुर में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिवपुराण कथा स्थगित, प्रशासन ने नहीं दी आयोजन की अनुमति, कथा के लिए हो गए थे 50 लाख रुपए खर्च। बीजापुर में कांग्रेसियों ने जलाया ED और भाजपा का पुतला, विधायक मंडावी ने कहा प्रदेश में भाजपा मुद्दा विहीन सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग कर रही मोदी सरकार। अदाड़ी हिंडनबर्ग मामले में सुनवाई, समूह के शेयर की कीमतों में हेर फेर के आरोप की 2 महीने के भीतर जांच करने का निर्देश। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से राहत, PTI की 2 महिला नेता गिरफ्तार, कोर्ट से मनीष सिसोदिया को फिर झटका, CBI मामले में न्यायिक हिरासत 2 जून तक बढ़ाई गई। आगरा में बड़ा हादसा, जंपिंग के दौरान हाई टेंशन लाइन में उलझा पैराशूट, कमांडो अंकुर शर्मा की गई जान। मथुरा रोड स्थित DPS स्कूल के बस रखे जाने की फिर मिली सूचना, पुलिस में मचा हड़कंप, तलाशी अभियान के 2 घंटे बाद सूचना निकली झूठी। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के सहयोगी के भाई 25 वर्षीय बंटी ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, खून से लथपथ मिला शव।
श्रीनगर एयरपोर्ट पर कुख्यात भगोड़े आतंकी दानिश अहमद कॉल गिरफ्तार, ओमान से आतंकी नेटवर्क का कर रहा था संचालन। महाराष्ट्र में ILFS घोटाला मामले में ED के सामने पेश होंगे NCP नेता संजय पाटिल, संजय राउत को मिली राहत। वाराणसी में आबकारी विभाग की लापरवाही से गंजड़ बस्ती में लगी आग, फरियाद लेकर जिला अधिकारी के पास गए लोग। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपी ब्रिजभूषण चरण दिल्ली पुलिस के सामने पेश, आरोपों को नकारा। ठाणे के भिवंडी में वेयर हाउस में लगी भीषण आग, 10 गोदाम चपेट में, आसमान में देखा गया धुएं का गुबार। स्वर्ण मंदिर के पास धमाकों से पहले हुई दुबई और कनाडा में कॉल, सामने आ रहा पाकिस्तान का नाम। अलकादिर ट्रस्ट मामले में भी इमरान खान को राहत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए दी जमानत। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर शाह ने किया ट्वीट, कहा नर्सों का असाधारण बलिदान मानव जाति के लिए प्रेरणा। हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर विवाद मामले में एक अहम फैसला सुनाया, सर्वे में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने का दिया गया आदेश, होगी वैज्ञानिक जांच। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही महिला पहलवानों के समर्थन में पंजाब, SKM के पदाधिकारी व कार्यकर्ता किसान करेंगे प्रदर्शन, फूकेंगे पुतले। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने की बड़ी घोषणा, अब 3री और 5वीं भी होगी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड ने लिया फैसला। रूस और यूक्रेन के बीच शांति प्रयास के लिए दोनों देशों में चीन भेजेगा विशेष दूत, अगले सप्ताह शुरू होगी यात्रा। आजमगढ़ जिले के बैजाबारी में बधाई गाने पहुंचे किन्नरों ने नेग में की ऐसी डिमांड, इनकार पर विवाद के बाद जमकर मारपीट। वाराणसी के पहलवान ने PM मोदी को लिखा पत्र, सांसद ब्रिजभूषण चरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग। पाकिस्तान की जेल से रिहा हुए 158 भारतीय मछुआरे, 2 की हुई मौत, 4.5 साल से थे कैद। कर्नाटक में वोटों की गिनती के बीच BJP कैंप ऑफिस में घुसा सांप, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की परिसर में थे मौजूद। DGCA ने एयर इंडिया पर ठोका 30 लाख का जुर्माना, 3 महीने के लिए पायलट का लाइसेंस सस्पेंड। पाकिस्तान में हिंसक झड़पों के बाद सेना में फूट और मार्शल लॉ लगाने पर चर्चा, आर्मी ने जारी किया बयान। बुमई में गुजरात को 27 रन से हराया, सूर्यकुमार ने खेली शतकीय पारी, गेंदबाजी में आकाश ने किया कमाल। कैलिफोर्निया में अमेरिकी यूट्यूबर ने जानबूझकर क्रैश कराया प्लेन, मिली 20 साल की सज़ा। पाकिस्तान में इंटरनेट सेवाओं को किया गया बहाल, POS ट्रांजेक्शन में 50% की गिरावट। अमेरिका और कनाडा में लोगों ने भी देखी द केरल स्टोरी, 200 से ज़्यादा स्क्रीन पर रिलीज हुई फिल्म। जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल की 5वीं मंजिल पर लगी आग, मरीजों में अफरा तफरी, दमकल विभाग ने पाया काबू। दक्षिण अफ्रीका के रूस को हथियार देने का मुद्दा गरमाया, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अफ्रीकी समकक्ष से की बात। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस जीत की ओर से 118 सीटों पर कांग्रेस, 76 पर चल रही भाजपा, मोदी फैक्टर पड़ा फीका, खड़गे का चला जा